बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं? जी हाँ, आज आपसे सवाल और जवाब की नशिस्त होगी और हमारी और आपकी जहनी आजमाइश के लिए चंद सवाल जो है वो हाजिर होंगे। उनमें से बेशतर को आप जानते होंगे, लेकिन सिर्फ एक यादे के लिए, एक तस्करे के लिए और ताकि हमारी दिलचस्पी इस्लामियात के इन सवालों में भी बरकरार रहे। पहला सवाल है, दुनिया में कुल कितने अंबिया मबूस फरमाए गए? जवाब 1,24,000 अंबिया कराम। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद में कुल कितने अंबिया का जिक्र आया है? जवाब 26 अंबिया कराम। सवाल नंबर 3, सबसे पहले नबी का नाम क्या है? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी का क्या नाम है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 7, पेन के साथ लिखाई, सीने का हुनर और हथियार बनाना किस नबी ने शुरू किया? जवाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 8, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहाइफ उतरे? जवाब 30 सहाइफ। सवाल नंबर 9, तूफान के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग कश्ती में सवार थे? जवाब 80 अफराद। सवाल नंबर 10, नजीबुल्ला किस नबी को कहा जाता है? जवाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 11, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का हुक्म किस बादशाह ने दिया? जवाब पॉलिटस। सवाल नंबर 12, कोड की बीमारी से शिफा का मोजजा किस नबी से मुंसलक है? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 13, रूहुल्ला किस नबी को कहा जाता है? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 14, खतीबुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? जवाब
हजरत शुएब अलैहि सलाम को। सवाल नंबर 15, बने इसराइल किस नबी का लकब था? जवाब, हजरत याकूब अलैहि सलाम का। सवाल नंबर 16, हजरत याकूब अलैहि सलाम की अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से कितने अरसे के बाद मुलाकात हुई? जवाब, 40 साल बाद। तो उम्मीद है आपको ये सवाल और जवाब का सिलसिला पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।